जैसे ये गाड़ी उतर रही है, इसको उतरना है तो यहाँ से ये उतरेगा और फिर यहाँ चल जाएगा, कहेगा जा गलती से उतर गयो, ना उतरना था, तो फिर चढ़ेगा इधर से, जो ससुरा तू नहीं यहाँ से। कंपनी का मालिक सीईओ जाम में फंसल रहेगा, गांधी सेतु में चल रहे ससुरा तू नहीं। देखिए एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर ये होता है कि एक्सप्रेसवे जो होता है वो एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस का मतलब होता है इंट्री करना, लेकिन वो इंट्री नहीं करने देगा, आप एक्सप्रेसवे पे इंट्री नहीं कर सकते, समझ में आ गया कि नहीं। क्या वो क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल रहता है, तो जब भी कहेगा एक्सेस कंट्रोल हाईवे है तो उस हाईवे पे आप इंट्री कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेसवे की खासियत होती है वो क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई जा नहीं सकता है, कोई बाहर निकल नहीं सकता है, जहां से वो आपको परमिशन देगा आप वहीं से जा सकते हैं, वहीं से निकल सकते हैं। अन्य जगह पे सोचिएगा है देहात की सड़क की तरह की घुस जाए तो नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये आपका एक्सेस कंट्रोल है, ये कितने लेन का है, तो भाई ये 4 लेन का है, 2 गो इधर से और 2 गो इधर से, और जिसको निकलना है वो यहाँ से निकल जाएगा, परमिशन दिया हुआ है। बाकी जगह पे देखिए, बाकी जगह पे क्या लगाता है, बाउंड्री लगा देता है, निकलना है तो यहीं से निकल जाइए और यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। और अगर ये क्रॉस कर दिए तो आप यू टर्न नहीं मार सकते, अब आप इसमें घुमा के गाड़ी नहीं ले जा सकते, फिर अगला 15-20 किलोमीटर बाद एगो यू टर्न दिया होगा, वहाँ से आपको क्या मारना पड़ेगा, यू टर्न। यानी एक्सप्रेस वे पे गलती किए ना तो आराम से समझिए कि 25-30 किलोमीटर तो आपको आगे ले जाएगा, आप यू टर्न मार ही नहीं सकते इस पर, दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती, ये काफ़ी हाइट पर बनाया गया रहता है एक किस आई वे को, एक्सप्रेस वे को। एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ गए ना, क्या होता है, बाहर के कोई आदमी एंट्री नहीं कर, यहाँ से देखिए दीवार लगा देता है यहाँ पे, और इस साइड से भी क्या लगा देता है, दीवार, जानवर भी नहीं आ पाते हैं, नहीं तो पता चलता है कभी कुत्ता आ जाता है, या फिर आप देखिएगा मवेशियों को लोग खुला छोड़ देते हैं, गाय वगैरह को, हाईवे पे आ जाएंगे तो वो भी मर रही हैं और साथ में एक्सीडेंट भी करा देते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिहार में एक भी जगह एक्सेस कंट्रोल नहीं है, यहाँ तो ब्रिजवा पे गाय चढ़ जाती है, नीचवा से बेचारी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले, जितना दुर्दशा यहाँ होता है गाय का हमको नहीं लगता कहीं होता, बेचारा प्लास्टिक खा खा के 3 दिन में मरेगी, देखिएगा अजीब टाइप का, इतना तड़प के मरेगी सब, दूध निकालने के समय देखिएगा ना इतना मोटा सुई लगा कि गाय एकदम छटपटाने लगती है, अब दूध निकालने के लिए पूरा, अब बेचारा बच्चा के लिए कुछ बच भी नहीं करता है। तो ये एक्सेस कंट्रोल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें चढ़ने उतरने के लिए ट्रैम्पेड इंटरचेंज बनाया जाता है, देखिए इसे कहा जाता है डायमंड इंटरचेंज, ये हाईवे पे चढ़ने के लिए बनाता है, आप किसी भी डायरेक्शन से आके, ये है आपका मेनली एक्सप्रेसवे, ये है क्या एक्सप्रेसवे, और बाकी जो झमेला है वो इसके चढ़ने उतरने के लिए बनाया गया है, ये आपको इस एक्सप्रेसवे से कहीं से भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, किसी को इस पर चढ़ना है, इस सड़क पर जा रहा है चढ़ना है, अब यहाँ से जाएगा ना इस सड़क पर तो यहाँ से घूमेगा ऐसे चढ़ के चला गया, समझ में आएगी नहीं आ गया। तो वो पूरा राउंड लेके अगर किसी को उतरना है इसमें से, जैसे ये गाड़ी उतर रही है इसको उतरना है तो यहाँ से ये उतरेगा और फिर यहाँ चल जाएगा, कहेगा जा गलती से उतर गयो, ना उतरना था, तो फिर चढ़ेगा इधर से, जो ससुरा तू नहीं यहाँ से घूम के आएगा वहाँ पे, अब फिर इधर जाके क्या होगा, मिलेगा यहाँ पे कहीं अपना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतना खर्चा आता है ये सब चीज़ का, तो काफ़ी ये एक्सपेंसिव चीज़ होता है, इतना बड़का राउंड मारना पड़ता है। तो ये डायमंड इंटरचेंज, ट्रैम्पेट इंटरचेंज, ये इंटरचेंज मतलब इस सड़क से उस सड़क पे जा सकते हैं आप लोग, तो इससे स्पीड डिस्टर्ब नहीं होती है, कंटिन्यूअस स्पीड होती है, और यही होती है सफल विकास की सबसे पहली कहानी। अगर किसी भी राज्य में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार को जो कहा जाता है ना कि आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, मतलब एक सामान जो भी आप यूज करते हैं ना उसमें 18% पैसा केवल उसके ट्रांसपोर्टेशन का लगा है, जबकि दुनिया का कोई भी देश जो विकसित है उसका लॉजिस्टिक परसेंट 8% से ज्यादा नहीं होता। तो हमारे बिहार में जो महंगाई है वो 10% तो फालतू है, 25-25% तक का बिहार का ऑन एन एवरेज 20% लॉजिस्टिक कॉस्ट है बिहार का, कई जगहों पर तो 25% है यहाँ पे। तो हम लोग जो आपको जो दे रहे हैं लोग पैसा उसका 10% तो फालतू दे रहे हैं लोग, किस चीज़ का, लॉजिस्टिक कॉस्ट का। रीजन क्या है कि गांधी सेतु पे ट्रक वाला जाम में फंसा है 10 दिन, 10 घंटा तक लग जाता है, मतलब समझ रहे हैं, ये इसको 100 किलोमीटर जाने में ना यहाँ 5 घंटे लगते हैं, और इस पर स्पीड लिमिट होती है 120, मतलब 120 पे चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, 120 से नीचवा चलिएगा तो पिछवा लगरी आएगा, समझ रहे हैं। अब सोचिए
एक घंटा से भी कम 50 मिनट में 100 किलोमीटर। आप लोग 100 किलोमीटर कभी कल्पना कर सकते हैं बिहार में 50 मिनट में आएंगे? जिस दिन आप बिहार में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस एक घंटे में चल सकते हैं तब आप कहिएगा कि बिहार आगे जाएगा। बाकी चीजें हो जाती हैं कि जो कहा जाता है ना कि अंधों में काना राजा। तो नेतवा क्या किया है, सब एजुकेशन तो चौपट किया है सब बिहार का, किसी को पता ही नहीं चलने देता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, यहाँ पर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। तो लोगों को कहेंगे विकास हो रहा है, जो जितने विकास हो रहा है यहाँ पर 100 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगेगा। अगर कोई बड़ी कंपनी आएगी ना सबसे पहले देखती है लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है, कहिएगा 10% से ज्यादा उठ के चल जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना परसेंट है, एवरेज है 20। एवरेज का मतलब होता है वो हाई वैल्यू नहीं है, वो हाई और लो के बीच का एवरेज। अब कहेंगे कंपनी क्यों नहीं आ रही है, कंपनी का मालिक CEO जाम में फंसल रहेगा, गांधी सेतु में चल रहे से जरूरत नहीं, समझ रहा है ना, 4 घंटा इनको चलेगा। तो ये क्या चीज है भाई, एक्सप्रेसवे। तो हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर समझ में आ गया ना। हाईवे क्या होता है, गौवा सटले होता है, कोनो साइकिल लेके चढ़ा देता है उस पर, और कोनो को बकरी मर गई तो फिर बवाल हुआ फिर पैसा, मुर्गी मरी तो ले लेता है अच्छा खासा पैसा, तो बकरी है इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है एक्सप्रेसवे पे। तो भारत में हाईवे देखना है, हाईवे का बाप हो गया कौन, एक्सप्रेसवे।